मुख्यमंत्री शिवराज सीधी के पीड़ित आदिवासी युवक से मिले, पांव धोकर मांगी माफी। मध्य प्रदेश के सीधी में अमानवीय व्यवहार के शिकार पीड़ित आदिवासी युवक दशमत रावत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह यहां अपने आवास पर मुलाकात की। चौहान ने पीड़ित की आरती उतारी, उसके पैर धुले, शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया और माफी मांगी। सीधी पेशाब कांड पीड़ित दशमत सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचा। घटना से द्रवित मुख्यमंत्री चौहान ने दशमत रावत से कहा, मन दुखी है, यहां आपकी पीड़ा बांटने का प्रयास है, आपसे माफी मांगता हूं, मेरे लिए जनता ही भगवान है। उल्लेखनीय है, मंगलवार को सोशल मीडिया सिंह के सिर पर कथित भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला के पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री चौहान ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा था, आरोपित के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होगी, पुलिस उसे गिरफ्तार कर रीवा के केंद्रीय जेल भेज चुकी है, उसके घर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।